ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस दुर्ग चैप्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 150 स्वच्छता महिला कर्मचारियों का सम्मान कर उनके परिवार की बालिकाओं का स्नातक तक पढ़ाई का जिम्मा उठाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की दुर्ग चैप्टर की अध्यक्ष ने 150 सफाई महिला कर्मचारियों का सम्मान कर उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे हर्षोल्लास से मनाया, जिसे मुख्य अतिथि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर शामिल हुए। इस अवसर पर दुर्ग के कन्या स्कूल में मंगलवार को विशेष अतिथि के रूप में महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग निगम के सभापति राजेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रत्युष भारद्वाज, प्रदेश समन्वयक भुवनेश कुमार साहू सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। 8 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे दुर्ग चैप्टर, जो कि महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है, और इसके प्रदेश समन्वयक क्षितिज चंद्राकर जी हैं, प्रदेश समन्वयक भुवनेश साहू जी हैं, प्रत्युष भारद्वाज सर हैं। तो आज हमारा एक महिला दिवस पर छोटा सा प्रयास ये था कि महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमेशा हर सेक्टर में जो अग्रणी महिलाएं होती है, एक्टिव महिलाएं होती है, उनको आज के दिन सम्मान दिया जाता है ताकि उन्हें एक विशेष सम्मान की लेता है। किंतु हमारा यह उद्देश्य था कि ये कार्यक्रम से हटके हमें एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा भाग जो समाज का स्वच्छता कर्मचारी महिलाएं हैं जो हमेशा एक तरीके से छूट जाती हैं, तो हमारा उद्देश्य था कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वो भी सम्मान की बराबर की भागीदारी है, क्योंकि महिलाओं में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच ना रहे और उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए ताकि वो भी सम्मान के अधिकारी रहे। इस उद्देश्य से हम लोगों ने आज का यह कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें हमने दुर्ग शहर के पूरे 800 स्वच्छता कर्मचारी महिलाओं में से हर एरिया की जो अच्छे कार्य के आधार पर महिलाओं का सिलेक्शन किया है, जिसमें हमने 150 महिलाएं निकाली हैं, और उन महिलाओं को आज हम यहाँ पर महिला दिवस पर सम्मान तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए और उन्हें भी समाज की अन्य महिलाओं को सम्मान लाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जिसमें हम इन्हें आज एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें उनके सम्मान की बातें तो है, यह साथ में उन्हें एक लाइन दिया गया है कि जिसमें वो और उनके अगर घर पर कोई बालिकाएँ हैं जो किसी आर्थिक स्थिति से या परिस्थिति से अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है और फिर से करने की इच्छा रखती है, तो उन्हें फिर से स्नातक तक की स्वच्छता कर्मचारी महिलाओं को और उनकी बेटियों को फ्री एजुकेशन देने की घोषणा आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है, और इसकी अवधि 2 वर्ष है। 2 वर्ष तक हम जितनी भी महिलाएं और बालिकाएं एनरोल होंगी, जो इन सर्टिफिकेट के माध्यम से हम वेरीफाई करेंगे और उन्हें हम फ्री एजुकेशन स्नातक तक देकर पूरा करेंगे। यही उद्देश्य आज के हमारे कार्यक्रम का। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।